सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड। अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो कोई हमें कल बचा नहीं पाएगा। एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस, इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। एक बूंद गिरती है, टपकती है, ज़ाया होती है तो एक महीने में 1,000 लीटर पानी गोज डाउन द ड्रेन। सर आबिद सुरती, द चेयरमैन ऑफ ड्रॉप डेड फाउंडेशन, ही इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग ऑथर। आबिद सर हैज रिटन अराउंड 80 बुक्स व्हिच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आबिद सर। कैन आई हैव यू ऑन द स्टेज? एक बार जोरदार ताली आबिद सर के लिए हो जाए गाइस। ड्रॉप डेड फाउंडेशन नाम आया ड्रॉप पर से। जब ड्रॉप्स गिरते हैं तो हमें सिंपल ये करना है कि नल को बंद कर दो, या कोई ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, जैसे घर में बाइयाँ जो है काम करने आती है, नल खोल देती है, वो तो कपड़े धोएगी, साबुन लगाएगी, तब तक पानी क्या कितने है, मिलियंस ऑफ लीटर वाटर गोज डाउन द ड्रेन। मर्द लोग जो शेविंग करते हैं वो भी शेविंग करते हैं, गपशप भी लड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और नर बेसिन का खुला है। तो ये जो ड्रॉप का कॉन्सेप्ट जो है वो आज 15 साल पहले शुरू किया था, आज ये UNO तक पहुंच गया है। ये जब इसकी मैंने शुरुआत की थी तब मुझे ये कुछ ख्याल नहीं था कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो ग्लोबल मूवमेंट हो जाएगा। मैंने तो वैसे ही मैं देख रहा था, किसी दोस्त के घर गया, किसी फैमिली मेंबर के घर गया, देखता था कि कहीं एक नल टपक रहा है। हम लोग बैठे हैं हॉल के अंदर बालकनी में बैठे गपशप लड़ा रहे हैं, लेकिन नल कहाँ टपक रहा है, किचन में टपक रहा है, टॉयलेट में टपक रहा है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। उसके बाद में कुछ एक दो हफ्ते के बाद मैं संडे का अखबार देख रहा था तो अखबार में एक आर्टिकल आया था पानी पर, उसमें ये दिया गया था कि एक सेकंड में, वॉच इट, एक सेकंड में एक बूंद टपकती है, ज़ाया होती है तो एक महीने में 1,000 लीटर पानी, पीने का पानी गोज डाउन द ड्रेन। यानी कि ड्रॉप्स नहीं थे, वो 1,000 लीटर पानी जा रहा था, 6 महीने से जाता रहा, उससे पहले भी कब तक गया होगा पानी, कितने 1,000 लीटर पानी गया, अगर कोई उसे बंद कर देता तो उसको कितने लीटर पानी बचाने का पुण्य मिलता। मैं अपनी बात करूं तो 15 साल में जब से शुरू किया था अब तक 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आई हैव सेव्ड सिंगल हैंडेडली। इफ आई कैन यू कैन। अब दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर मुझे पानी बचाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका भी जवाब मिल गया मुझे कि बहुत ही आसान काम है। सारे दोस्तों के घर जाओ, जिन जिन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है उन सबके घर पहले जाओ और सबके नल फ्री में ठीक कर दो। एक प्लम्बर को ले लो साथ में, एक प्लम्बर कितना लेगा, 200 रुपया, 250 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया, एनीवे। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मैंने कोई समाज सेवा के लिए नहीं किया था, मैंने कोई पानी बचाने के लिए नहीं किया था, मैंने इसलिए ये किया कि मेरे भीतर जो आग जल रही है, पानी की बूंदों को वेस्ट होते हुए देखता हूँ तो जो आग अंदर सुलग रही है वो शांत हो जाएगी, उसको शांत करना था। साथ में समाज सेवा भी हो जाती है, लोगों का भला भी हो जाता है और लोग बड़े प्यार से, टोटल रिस्पेक्ट। हम लोग जो जाते हैं तो मीरा रोड में बिल्डिंग टारगेट करते हैं, एक बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलते हैं, हम यानी कि मैं और एक प्लम्बर,
सेक्रेटरी से मिलते हैं, सेक्रेटरी से कहते हैं भाई ये देखो फ्री में हम आपकी बिल्डिंग के सारे जितने भी नल लीकेज है वो हम ठीक कर देंगे। तो सेक्रेटरी बड़ा खुश हो जाता है, 99% नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, इसके बाद में हम शनिचर के रोज़ हमारे पैम्पलेट जो है वो घर घर में पहुंचा देते हैं वॉचमैन के ज़रिए कि भाई ये ड्रॉप डेड फाउंडेशन जो है ये क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आ रहे हैं ये लोग, क्या इन लोगों का कोई मार्केटिंग एजेंडा है, कुछ ना कुछ चक्कर तो होगा, लोगों के जहन में ये बात जाती है। और ये पैम्पलेट मिलने से लोगों को पता चलता है कि भाई ये लोग जो है, ये शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूँ, कि ये लोग जो है वो सिर्फ समाज सेवा के लिए आते हैं, सिर्फ पानी बचाना उनका मोटो है। ये पानी बचाना जो हम सोचते हैं वो इतना मुश्किल काम नहीं है, जो मैंने जो तरीका निकाला है। धन्यवाद, धन्यवाद, आप लोगों ने प्यार से सुना।